उमर डाकू। मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना रखा था। वो अपने कमीन गाह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफला उधर से गुजरता, पहाड़ से उतर के उसे लूट लेते। इस मुल्क के साहिब तदबीर अक्सर आपस में ये मशवरा करते, अगर इस गिरोह का यही वतीरा रहा तो फिर इसके मुकाबले की ताप मुश्किल होगी। मसनवी होने पाए न गए दरक कवि, इसको एक शख्स ले उखाड़ अभी। चंदे इसको ही गर्चा मोहलत दें, फिर ना उखाड़े फलक के रेले से। एक चश्मे नहाने को जिसके, बेलचा लेकर बंद कर दीजिए। फिर जो पानी इसी में जाए भर, होगा मुश्किल गुजार हाथी पर। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि उन्हें पकड़ने की कोई भी कोशिश कामयाब ना होती। जब इन डाकुओं की डाका जनी हद से बढ़ गई तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को इनकी गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया। वो एक जगह छुप गया और जब डाकू डाका डालने चले गए तो उसने शाही फौज को खबर कर दी। फौजी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर आए तो लंबी तान का सो गए। इनमें से किसी को ये गुमान ना था कि वो फौजी जवानों के घेरे में है, जिन्होंने धाड़ मारी और डाकुओं को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। इसने फौरन इन सबको कत्ल करने का हुक्म दिया। इन डाकुओं में एक नौ उमर डाकू भी था। बादशाह के एक वजीर को उस पर बड़ा तरस आया। इसने चाहा कि कितना अच्छा हो अगर इस नौजवान की जान बच जाए। वजीर ने रहमदली के जज्बे से बादशाह से सिफारिश की के हुजूर वाला, इस नौजवान पर रहम खाएं। इसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है, अच्छी तालीम और तरबियत से ये एक अच्छा इंसान बन सकता है। बादशाह को अपने वजीर की ये बात पसंद ना आई। इसने कहा, तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। ये खतरनाक डाकुओं के गिरोह में शामिल था, इसलिए डाकुओं के साथ इसे भी कत्ल कर दिया जाए। ये कहाँ की अकलमंदी है कि आग बुझाएं और अंगारे छोड़ दें, सांप को मारे और सपोरिये छोड़ दें। वजीर ने अर्ज की कि हुजूर ने बचा फरमाया, लेकिन मौका पाकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की। जहाँ पना इसमें कोई शक नहीं कि इस नौजवान की आदतें अच्छी नहीं हैं, मगर ये बुरी आदतें इसने बुरे लोगों से सीखी हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। मसनवी में है कि वो नौजवान कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर ओबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन अपने मोहसिन रहमदिल वजीर और इसके बेटे को कत्ल करके इनके घर का माल मता लूट कर भाग गया और इसी पहाड़ की चोटी पर अपना ठिकाना बना लिया, जिस पर इसके साथियों ने कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक्य की खबर मिली तो उससे बड़ा अफसोस हुआ और कहा कि बेहतरीन तरबियत से भी बदअसल की इस्लाह नहीं हो सकती, बुरे लोहे से भी अच्छे से अच्छा कारीगर भी उम्दा तलवार नहीं बना सकता। मसनवी कब हो सुम्बुल जमीन शोर के बीच, इसमें तुखम उम्मीद क्यों बोए। नेकी करनी बदों से ऐसी है, जैसी नेकों से की बदी तूने। इस हकायत में हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया है कि काटा लाख फूलों में है, फूल नहीं बन सकता। बदअसल से भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।